उस दिन तो बोंदिता ने बचा लिया तुम्हें ये कुत्ते के पट्टे को तुम्हारे गले में पड़ने से, पर कब तक बचाएगी वो? सिर्फ एक साथ खड़े रहने से जीत जाओगे ये चुनौती? नहीं, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। पर ये तुम भी जानते हो कि पढ़ना इन सब के लिए असंभव है। अरे, जिन हाथों में सिर्फ अलता सजा है वो कलम पकड़ेंगी? नहीं, सिर्फ आज के दिन नहीं, आने वाले हर दिन में इतनी परेशानियां खड़ी करूंगी मैं कि लड़कियों को पढ़ने के नाम से डर लगने लगेगा। दिमागी क्षमता वाली परीक्षा में मेरे टीम के लड़के जीतेंगे और फिर वो चमकते चांद पर सिर्फ एक का ही चेहरा होगा, वो गवार बोंदिता का नहीं, मिसेस पेटी जॉन ग्रीनवुड का होगा। विज्ञान क्या हुआ मास्टर जी, छुट्टी दे दी आपने? पढ़ाई हो गई इनकी? चलो तो अब खाली बैठने से अच्छा है ये देख लो कि मेरे लड़कों ने कितनी पढ़ाई की है। क्यों? हाँ, तुम्हें काम क्यों नहीं करते? कोई भी पन्ने से कोई भी प्रश्न पूछ लो इनसे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं तो कहती हूँ सिर्फ पन्ने का नंबर बता दो, जवाब खुद ब खुद आ जाएगा। मुझे ये तमाशा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसमें कितनी क्षमता है, किसमें क्या क्या काबिलियत है, ये हम प्रतियोगिता के दिन देखेंगे। अरे पर तुम्हारी लड़कियाँ इन्हें देखकर कुछ सीख ही लेंगी ना, ये तो अच्छी बात हो गई इनके लिए। क्यों गोपाल, पेज नंबर 53। बारिश कैसे होती है? धरती का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है और फिर वहाँ ठंडी हवा से मिलकर पानी की बूंदों में बदल जाता है और फिर यही बूंदे इकट्ठा होकर बादल बनते हैं और फिर बादल जब पानी को रोक नहीं पाते तब तब बारिश होती है। बारिश ऐसे होती है? सर बाबू, जरा किताब में देखकर बताइए कि ये सही है कि नहीं। मेरे लड़के ही किताब है बोंदिता। शुभ, पेज नंबर 501। सूरज के सबसे पास है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस बार मैं प्रश्न पूछती हूँ। आखिरी पन्ना। विनोद, पन्ना नंबर 1000। आसमान का रंग नीला क्यों होता है? इसके तीन कारण हैं। सूरज की रोशनी, हवा और हमारी आँखें। हमें लगता है सूरज से सिर्फ सफेद रोशनी निकलती है, पर ये गलत है। सूरज से और भी रंगों की रोशनी निकलती है पर उन्हें हमारी आंखें देख नहीं सकती, इसके कारण हमें आसमान नीला दिखता है। इन्हें तो आखिरी पन्ने तक सब याद है। आज पहला दिन है और इन्हें पूरी किताब पन्नों से याद है। तुम सब पांचवें पन्ने पर हो ना? परीक्षा इस महीने ही है, पता है ना अनिरुद्ध सर? कछुए की चाल चल रहे हो तुम लोग और मेरी टीम के लड़के गरुड़ की तरह हवा से बातें कर रहे हैं। चलो बॉयस, आज के लिए इतनी पढ़ाई काफी है। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहां। फिर से गलती हो गई।
और एक ही गलती कितना बार करेंगी बहुरानी जी आप भी। आपको पता है भारी बाबू, वो जो किताब है ना आपसे भी भारी है वो किताब। और आपको पता है हमने उसका क्या नाम रखा? हमने उसका नाम पहाड़ पोटी रखा है। पता है आपको? 1000 पन्नों की किताब है, इतनी मोटी किताब है, और बस 7 दिन है उसे याद करने के लिए। आप तो खुद ही इतनी छोटी सी हैं, कैसे झंडा फहराएंगी इतने ऊंचे पर्वत पे? हार नहीं मान सकते हम भारी बाबू। आपको पता है एक एक पल कीमती है, जब तक समय है याद करती हूँ मैं। सही कहा उस बेटी त्रिभुवन ने, सच में कछुए की चाल चल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हर हाल में पढ़ाई की गति बढ़ानी होगी। आपने भी ना बातों में लगा दिया मुझे, पढ़ने ही नहीं देते। बाबू का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर। क्या कर रही हो बहू? याद कर रही थी मुगलों के पुश्ते। क्या बात? वैसे आपको पता है काका ससुर जी, लड़कों की मंडली को पूरी किताब याद हो गई है। ऐसे याद की उन्होंने वो किताब, जैसे घोल कर पी गए हो किताब को। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ और पढ़ो और घोल कर तुम भी पी जाओ पूरी किताब को। और हाँ, तब तक तुम्हें घर का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। बिनॉय, ठीक है, पर सुनो, पढ़ाई रसोई घर में बैठकर करना। कम से कम तुम्हें इस बात का एहसास रहे कि तुम रॉय चौधरी खानदान की बहू हो। बहू जिस दिन दिमागी क्षमता की परीक्षा है उसमें ज्यादा दिन बचे नहीं है, समय कम है और काम बहुत ज्यादा। इस चौक को मैं यूं ऊपर फेंकता हूं, ये वापस नीचे क्यों आता है? ये ऊपर हवा में क्यों नहीं चला जाता? चौक इसीलिए नीचे आया क्योंकि इस चौक पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। ऐसे ही पेड़ से सेब गिरता है, गुरुत्व के कारण नीचे आ जाता है, ऊपर नहीं जाता। अरे भारी बाबू। हाँ बहुरानी जी। ये क्या है? सब्जी का बचा हुआ कचरा। कहाँ जा रहे हैं आप ये लेकर? बाहर फेंकने। इसे बाहर मत फेंके। एक बात बताइए बहुरानी जी, इस कचरे का करेंगे क्या आप? नहीं, आपको अपनी बूढ़ी दीदी के घर नहीं फेंकना है इसे? नहीं भारी बाबू, मजा तो तब है ना कि हम कूड़े का भी उपयोग कर सके। मतलब? शिक्षा से। सर बाबू से सीखा है कि कूड़े से खाद कैसे बना सकते हैं। बहुरानी जी, ये सर बाबू कौन? पति बाबू, और कौन? पता है सर बाबू ने तो ये भी कहा है कि वो मुझे ये भी पढ़ाएंगे कि इस खाद से क्या बनता है। फिर तो घर में ही सब्जियां उगाएंगे हम। काका ससुर जी के पसंदीदा टिंडे, ससुर जी के पसंद वाले बैगन। लेकिन बैगन भाजा आपको तो पसंद नहीं है बहुरानी जी। तो क्या हुआ भारी बाबू? जब ससुर जी बैगन भाजा खाकर खुश होंगे तो शाबाशी किसे मिलेगी? बंद ताको ना। तो जाइए रख दीजिए कचरा। जैसी ग्रह लक्ष्मी बहू आप चाहते थे वैसी ही है हमारी बंदिता। हमें डर था कि कहीं पढ़ाई लिखाई में फंस के अपने कर्तव्यों से दूर ना चली जाए, पर नहीं,
पढ़ाई तो इसे और सुलक्षणा बना रही है। अनिरुद्ध ठीक कह रहा था, पढ़ाई औरतों को समझदार बनाती है। वनिता कहाँ हो तुम? हाँ सर बाबू, वंदी बाबू आई। अरे जल्दी आओ वनिता। ये तुम्हारे पढ़ाई के समान, ध्यान से सुनो बोंदता। अगर हमें उन लड़कों को हराना है तो ना सिर्फ दिन में पर रात में भी पढ़ाई करनी होगी। दिन में 12 घंटे होते हैं, ये तो बताया था आपने। रात में भी 12 घंटे होते हैं क्या? दोनों को जोड़े तो कितने घंटे हुए पति बाबू? आज से तो मुझे पति बाबू नहीं सर कहकर बुलाओगे। घर में पति बाबू कह सकती हूँ ना? हाँ बोलना। 24 घंटे। 24 घंटे? 24 घंटे तो बहुत सारे होते होंगे ना? हाँ बहुत सारे होते हैं, और हमें बहुत सारी मेहनत भी तो करनी है ना, तभी हरा पाएंगे उन लड़कों को। ठीक है पति बाबू, अब से रात में भी बहुत सारा पढ़ेंगे हम। अनिरुद्ध, हम जानते हैं कि चुनौती बहुत जरूरी है हम सबके लिए। ये बहू का इस तरह रात बिरात घर से बाहर जाना ठीक है क्या? दा, आपने ही तो कहा था कि पढ़ाई जो है सुलक्षणा होती है, और गृह लक्ष्मी है हमारी बोंदिता। तो ठीक है, अब तुम दोनों एक तरफ मिल जाओ हैं, और हमें बना दो वो शैतान ग्रीनवुड। बेटा बात को समझ, हम बहू की पढ़ाई के विरुद्ध नहीं है, लेकिन आधी रात को भूत निकलते हैं मंडराने। शरीफ घर की बहू है नहीं। ठीक है काका, अगर आप कहते हैं तो मैं बोंदिता को रात के समय बाहर नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन 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 काका एक शर्त होगी। क्या? आपको एक बात की इजाजत देनी होगी मुझे कि मैं उन लड़कियों को हवेली में लाकर पढ़ाऊं। आप हाँ कहेंगे उसके लिए? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा अनिरुद्ध, कभी नहीं देंगे। या तुम जानते नहीं हो हीरा मंडी की लड़कियों के बारे में हमारे क्या विचार है? तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम उन लड़कियों को हमारे मंदिर जैसे घर में आने देंगे? पढ़ाई करा रहे हो ठीक है, हम उस बीच में नहीं आ रहे, तो तुम भी हमारी धर्म और धारणाओं के बीच में मत आओ बस। आप हाँ पढ़ाई से मना कर रहे हैं तो आप बीच में नहीं आ रहे पढ़ाई के। अनिरुद्ध, काका काका मेरी एक विनती है, मुझे अपने तरीकों से पढ़ाने दीजिए प्लीज। क्या तरीके हैं तुम्हारे? चिंता मत कीजिए काका ससुर जी, आपकी गृह लक्ष्मी पढ़कर कुछ नया ही सीख कर आएगी ना घर। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपकी गृह लक्ष्मी बाहर जा रही है? आप तो ये सोचिए कि जाकर वापस आ रही है घर, वो भी कुछ अच्छे से सीख कर। अब बहू पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी ना। हाँ बहू, तुम जाओ और जाके घर वापस आओ, ये होता है तरीका बात करने का। हाँ सर। चलें? क्या कराती हो काका ससुर जी? हाँ जाओ। क्या बात है, आज तो अनिरुद्ध बाबू में घूमने ले जा रहे हैं। हाँ मैंने सुना है तुलसीपुर की नदी रात में बड़ी खूबसूरत दिखती है। रात में भी पढ़ेंगे कैसे? जब तक चुनौती जीत नहीं जाते तब तक तुम सब के लिए आराम हराम है। आंख खुल गई? आज का पूरा दिन खराब हो गया है, समझ रहे हो तुम सब? इसीलिए जितनी पढ़ाई करनी है रात को पूरी करनी होगी। जल्दी से बैठ जाओ, चलो।
बुराई से कैसे छुटकारा पाना है ये मुझे पता है। बल्ब कैसे टूटा? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो लगता है वो शैतान बैटरी ने तोड़ा। जिसे दिन में आई थी वो बैंड बाजे लेके हमें परेशान करने, वैसे ही उसने हमारा बल्ब भी तोड़ दिया। बेटी के आदमी सुराग छोड़कर जाएंगे। इस कक्षा में से ये बल्ब किसने तोड़ा? तो कोई सच नहीं बताएगा क्या? तुम सब जानते हो इसका परिणाम क्या हो सकता है? अगर किसी को सच नहीं बताना तो हम क्लास के मॉनिटर से पूछते हैं। मॉनिटर बोंदता, ये बल्ब किसने तोड़ा बताओ। तुम इन सबकी दोस्त हो, सबको अच्छे से जानती होगी, तो तुम्हें जरूर पता होगा कि ये बल्ब इस गुलेल से किसने तोड़ा। जैसे देश का लीडर बिना पक्षपात किए देश की भलाई के लिए खड़ा होता है, वैसे ही तुम्हें भी बिना पक्षपात किए अपनी कक्षा की भलाई के लिए सच का साथ देना चाहिए। सच बताओ, किसने तोड़ा ये बल्ब? मैं लालची का नाम नहीं ले सकती, क्या करूं? नहीं बताओगी? बोंदता, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, ये बल्ब किसने तोड़ा? सच नहीं बताने का परिणाम क्या होगा है तुम जानती हो? बल्ब हम में से किसी ने फोड़ा है, पर मैं उसका नाम नहीं ले सकती। नहीं ले सकती मतलब? ठीक है, कोई नाम मत बताओ, तुम भी नाम मत बताओ। अभी बाहर जाके उन लकड़ियों को घसो, बिना रुके जाओ। जाओ बोंदता। रुकना नहीं है बोंदता। सर बाबू देखिए ना, उसके हाथ छिल गए। तुम्हें जाना है साथ में? और यहां पूरा होता है भाग 6 का पाठ। कौन सा पाठ? बिना माचिस और ईंधन के आग कैसे लगाई जाती है, ये सिखा तुम सब। अनिरुद्ध दिन में नहीं पढ़ा पाया लड़कियों को, तो अब रात में पढ़ा रहा है। अंधेरे में आग कैसे लगाते हैं ये भी सिखा दिया। कैसे? मतलब बोंदता को जो दंड दिया था वो दंड नहीं पाठ था। मान गए अनिरुद्ध को, एकदम अनपढ़ थी वो सब लड़कियां, पर अब देखो रोज नया नया चैप्टर सिखा रहा है
अपनी लड़कियों को। मैं भी जानती हूँ अनिरुद्ध जीनियस है, और वो बोल देता इतनी सी है पर बहुत समझदार है, और यही डर है मुझे कि कहीं दोनों मिलकर मेरा पूरा खेलना पलट दे। देखा तुमने, रात में भी पढ़ रही है वो लड़की। तुम्हें शर्म नहीं आएगी अगर तुम उन लड़कियों से हार गए तो? नहीं, हम कभी उन्हें नहीं जीतने देंगे। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। पूरी किताब 5 बार पढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ाई करके उन्हें नहीं हराना है हमें, ऐसा कुछ करना होगा जिससे वो पढ़ ही ना पाए। तुम जाओ, जिस आग को तुमने जलाया है ना अनिरुद्ध, उसी आग में तुम्हारी लड़कियों को स्कूल में पढ़ाने के सपने को जला दूंगी मैं। पति बाबू, आप मुझसे गुस्सा है क्या? पति बाबू, आपको मुझसे पूरे रास्ते बात नहीं की। हाँ, मैं तुमसे गुस्सा हूँ बॉन्डिता, और गुस्सा इसीलिए हूँ क्योंकि तुम जानती थी बल्ब किसने तोड़ा है, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। और क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम्हें डर था कि वो लड़कियां तुमसे दोस्ती तोड़ देंगी। वो मुझसे दोस्ती तोड़ देंगे, इसलिए नहीं छुपाया उनका नाम पति बाबू। मैंने इसीलिए छुपाया क्योंकि वो सब मेरी मंडली है ना, उसे एक का नाम लेकर उसे रन दिलवाती तो मेरी मंडली में एकता रहती क्या? आपने ही तो कहा था ना कि एकता में बल होता है, सबको एकजुट रखना है, सही कहा था ना आपने? मैंने तुम्हें एक लकड़ी दी तो तुमने उसे फटाक से तोड़ा, लेकिन जब कई सारी लकड़ियां एक साथ आ गई तो तुम उसे नहीं तोड़ पाई। एकता में ताकत होती है बंधुता। अपने सिखाए हुए शब्दों से पीछे क्यों हट रहे आप पति बाबू? बंधुता, अब तुम मुझसे गुस्सा हो गई क्या? देखो ऐसे मुंह फुलाकर बैठी हो। बताओ ना, ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? बात करूंगी तो मुंह फुला रहेगा क्या? अच्छा तो एक काम करते हैं, जो बात कहनी है वो कह दो और उसका फिर से यूं मुंह फुला लेना। हाँ ये ठीक है। तो बोलो। मैं इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि आपने कहा था कि कक्षा में सर बाबू हैं आप। हाँ कहा तो था। तो आप सर बाबू को क्यों ले आते हैं? घर में तो मुझे पति बाबू भी चाहिए अपने, जो मुझे डांटते भी थे, हंसाते भी थे, गुस्सा करते थे तो समझाते भी थे, कड़वी दवा भी देते थे तो मीठे मीठे रसगुल्ले भी देते थे। बोलता हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। लकड़ियां घसते घसते हाथ पर छाले पड़ गए होंगे ना? जानता हूं, माँ गाते गाते लगाती थी ना।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.